हेलो भाई, एक बार फिर से नई वीडियो में वेलकम है। तो भाई, रिजल्ट का वेट नहीं हो रहा होगा सीआईएसएफ एसएम 2022 वालों का, जिनका जो है टाइपिंग हो चुकी है अपनी कंप्लीट, जो है रिजल्ट का वेट कर रहे हैं सभी। भाई, हमारा रिजल्ट कब आए कब नहीं आए, कल क्या हमने ग्रुप में जो है ऑडियो कॉल पर बात नहीं की थी, क्योंकि कल मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए थोड़ा ऑडियो कॉल पर क्या बात नहीं कर पाया। आज इवनिंग में 10 बजे हम बात करेंगे ग्रुप में, और बढ़िया तरह से करेंगे रिजल्ट के बारे में। भाई, कब कब तक आ सकता है, कब अपन ग्रुप में बात करेंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम हाइट और वेट के बारे में। भाई, कैसे मतलब मेडिकल में जो मेडिकल अपना होगा रिजल्ट के बाद में, तो हाइट वेट कैसे नापेंगे, कैसे क्या करेंगे। एक चार्ट दे रखा उन्होंने, ये चार्ट क्या बहुत ही पुराना है और ये पहले से चलता आ रहा है। जब बीएसएफ एसएम की जो अपना मेडिकल हुआ था ना, तब से ये चार्ट चलता रहा। जब मैंने खुद ने क्या बीएसएफ एसएम का जो मेडिकल दिया था ना, उसमें भी ये चार्ट के हिसाब से हमारा क्या हाइट वेट चेक किया गया था, और इसी हिसाब से सीआरपीएफ एसएम में भी यही रूल चला था। और ये जो सीआईएसएफ एसएम का जो 2019 वाला हुआ था ना, इसमें भी यही यही चार्ट यूज किया गया था। इसमें भी यही चार्ट के हिसाब से अपनी हाइट वेट चेक की थी, और उम्मीद है कि इस बार भी मतलब जो 2022 वाले एसएम है सीआईएसएफ वाले, इसमें भी यही इसी चार्ट का यूज होगा। तो भाई, इस चार्ट के हिसाब से अपने अपने हाइट और वेट चेक कर ले सभी उम्र के हिसाब से, और अगर इस हिसाब से अगर अपना वेट कम या ज्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश करो। अभी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि भाई अपना वेट अभी से ही कम करना स्टार्ट कर दो, अपने लिए ही फायदा होगा उसमें। अगर ज्यादा वेट है किसी का चार्ट के हिसाब से 10 किलो ज्यादा वेट है, भाई अपना 4-5 किलो कम करने की कोशिश कर लो, क्योंकि 5-7 किलो की ही छूट मिल सकती है वहां पर। अगर 5-7 किलो ऊपर नीचे वजन है अपना, तो क्या है वही छूट मिल सकती है। इससे ज्यादा अगर 10 किलो हुआ ना, तो 10 किलो में छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने खुद ने देखा है भाई वेट में बहुत ज्यादा स्टूडेंट बाहर हुए थे। एक स्टूडेंट था, उसका क्या है 80 किलो वजन था, और वो 70 किलो के क्राइटेरिया में आ रहा था, 70-79 के क्राइटेरिया में आ रहा था, तो उसको क्या बाहर कर दिया गया था बीएसएफ एससीएम में। सीआरपी एससीएम में बहुत स्टूडेंट बाहर हुए वेट में, और जो ये अपने 2019 वाली ये सीआईएसएफ एससीएम, इसमें भी मेडिकल में काफी स्टूडेंट बाहर हुए। हाइट और वेट अपने हाथ की बात है, अपनी डाइट को कंट्रोल करो और दौड़ बोल करो, जिससे क्या है अपना वेट कम हो, और जो आंखों की प्रॉब्लम है उसको भी दूर करो। ये मेडिकल में मेडिकल पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेट और आंखों की प्रॉब्लम, ये इसमें क्या है सबसे ज्यादा सड़ते हैं स्टूडेंट। इसलिए भाई आंखों को और वेट को तो अपने हाथ की बात है, इसको तो कंट्रोल कर ही सकते हैं अपने समय रहते हुए। अभी तो क्या रिजल्ट भी नहीं आया, रिजल्ट आया रिजल्ट के बाद में 10-11 दिन का टाइम मिलेगा, उसमें भाई अपन कंट्रोल कर सकते हैं। और वेट मतलब इस चार्ट को लेकर चलो, इस चार्ट के हिसाब से ही अपना जो है वेट ये इसी के हिसाब से होने वाली है। चार्ट के हिसाब से नहीं होगी तब भी इसके हिसाब से अपना वेट कर लो, क्या दिक्कत है उससे, क्या अपनी अपना शरीर का ही बेनिफिट है इसमें, किसी का थोड़ी फायदा बड़ा ही फायदा है इसमें कुछ। अगर इसके हिसाब से कर लेंगे तो ये अपने पास क्वेश्चन तो नहीं रहेगा बाद में कि काश में कर लेता तो। इसलिए भाई अभी से ही स्टार्ट कर दो अपना वेट कम करना, और इस चार्ट के हिसाब से चलो। इसलिए भाई और भी स्टूडेंट बताते हैं कि भाई 5 किलो छूट देंगे, 7 किलो छूट देंगे, तो हाँ भाई 5-7 किलो की छूट देंगे भाई, इस चार्ट के हिसाब से वेट है ना अपना, अगर 5-7 किलो ऊपर नीचे है ना तब भी छूट देंगे वो। ये चीज तो शुरुआत से ही, क्योंकि भाई टाइम बहुत हो गया, 1-1 साल 1.5 साल हो गई वैकेंसी को, तो इसलिए छूट तो देंगे, क्योंकि 1.5 साल में तो इतना वजन क्या बढ़ ही जाता है स्टूडेंट होगा, इसलिए भाई इसलिए छूट देते हैं वो। और ये थी जानकारी आज की हाइट और वेट के बारे में। तो भाई इस चार्ट को इम्पोर्टेंस ही देकर अपनी हाइट वेट जो है इसके हिसाब से मैनेज कर लो, और उसको अगर वेट ज्यादा है तो वेट को कम करने की कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा, और आंखों में आंखों की प्रॉब्लम है उनको ड्रॉप ड्रॉप बढ़िया वाली लाकर और आंखों की प्रॉब्लम को भी दूर कर लो। अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा हो वेट से रिलेटेड या कोई आंखों से रिलेटेड कुछ भी हो, उसको एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और शाम को हम क्या है रात को खूब बढ़िया बात करते हैं ऑडियो कॉल पर लाइव, इसलिए टेलीग्राम पर, इसलिए भाई टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, और आपके डाउट है वहाँ पर लाइव पूछ लिया करो। आपको क्या यहाँ पर सभी स्टूडेंट बात करते हैं, जो जो जितना चाहे अपने डाउट क्लियर कर सकता है वहाँ पर, सभी अपने एक साथ बैठकर बढ़िया बात करते हैं, बढ़िया बातें होती है वहाँ पर। इसलिए भाई टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पर शाम को ऑडियो कॉल पर आ जाया करो, और ऐसी कोई नई अपडेट मिलती है तो उसको मैं इसी चैनल पर बताता रहूंगा। इसलिए भाई चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। तो भाई मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में, जय हिंद, तब तक के लिए।